हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये कुछ मेरी सकुलेंट्स है और मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि आप ऐसे सकुलेंट से कैसे अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और उसके लिए आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, तो वो मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आप ये शुरू से लेके इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, ये है एचवेरिया ब्लू बर्ड्स और आप देख सकते हैं इसके कलर एकदम आइसी ब्लू है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। और फ्रेंड्स, इसमें कई तरह का प्लांट है, जैसे ये भी एक एचवेरिया का स्पीशीज़ है और एकदम डार्क मैरून कलर के हैं और इसमें काफ़ी सारे बर्ड्स हैं जो एकदम क्लाम्प बना हुआ है। और फ्रेंड्स, ये मैंने एक पॉट लिया है जो आप देख सकते हैं पिंक कलर का है और इसके अंदर ड्रेनेज होल भी है और इसके साथ साथ नीचे इसमें ये जो आप देख रहे हैं सॉसर भी लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इस पॉट में सॉइल डाल लूँगी और जो प्लांट्स हैं उनको मैं पॉट से निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सारे प्लांट्स को पॉट से निकाल लिया है और सारे जो सॉइल है वो भी मैंने इस ट्रे में रखे हैं और इस पॉट में भी मैंने सॉइल हाफ पोर्शन तक डाल लिया है ताकि मैं इसमें प्लांट्स लगा सकूं। तो फ्रेंड्स, आइए मैं पहले ये जो प्लांट्स हैं इनको मैं इस पॉट में लगा लेती हूँ। सारे जो सकुलेंट है मैंने पॉट में लगा लिया है, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ी सी सॉइल साफ़ कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सॉइल साफ़ कर लिया है, लेकिन ये जो प्लांट में सॉइल जो थोड़ा बहुत लगा हुआ है उसको मैं साफ़ करने के लिए ऐसे जो पेंट ब्रश या कोई भी सॉफ्ट ब्रश होती हैं उससे साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने पसंद से कोई भी प्लांट ले सकते हैं, जो भी प्लांट आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं और कैसे भी आपको पॉट पसंद है तो आप अपने हिसाब से वो पॉट को चूज़ कीजिए। और सकुलेंट्स को ऐसे एकदम पॉट में अगर पैक करके एकदम टाइट से लगाएंगे तो वो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और मैं अब आपको ये भी बताऊँगी कि आप इस प्लांटर को कहाँ पर और कैसे डेकोरेट करें ताकि आपके घर और देखने में और अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप इस प्लांटर को देख लीजिए कि ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। इसमें जो प्लांट है वो भी देखने में कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस प्लांटर में सारे तरह के कलर है, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इसको कहाँ पे कैसे रखें। तो चलिए आइए देखते हैं।
जैसे कि फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर इसको रखा है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी ऐसे रख सकते हैं। और ये मैंने अपने ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल के ऊपर रखा है जो भी देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स आप अपने विंडो के ऊपर भी रख सकते हैं आपके हिसाब से, आप जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है आप वहाँ पे ये पॉट को रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने अपने बेड के ऊपर भी रखा है जो देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू व्यूअर है प्लीज़ वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।